क्या बोल रहे हैं आप पहले एक नई सरकार चलेंगे यहाँ इतने नौजवान बैठे हैं उन्होंने कहा किसान का कोई चौकीदार नहीं होता अमीरों के चौकीदार होते हैं किसान खुद अपने चौकीदार मुख्य समस्या क्या है चाहे नौजवानों की है चाहे किसानों की है किसी भी देश में चाहे किसानों को अपनी उपज का दाम नहीं बीज हर समय पे नहीं मिलते कर्ज हो जाते हैं कर्ज माफ करने के लिए या किसानों की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता सरकार आगे नहीं आती नौजवानों को देखिए बेरोजगार तमाम हो रहे हैं महिलाओं को देखिए अपने आप को सुरक्षित करते हैं जो आशा बहुएं हैं नौ महीनों के लिए एक महिला का स्वास्थ्य देखती है परिवार में जाती है उनका स्वास्थ्य पूछती है नौ महीने के लिए जनता की आवाज सुनी जानी चाहिए आज मैं जनता की आवाज सुन रहा है सवाल पूछो फिर नाम मेरे साथ उन्होंने क्या कि जहां हम माने जनाब ये दस पूछो आ रहा साहब पूरी तरह से आपको नेता के पास जाना पड़ता है उससे अपने अधिकारों की जीत माननी पड़ती है जबकि आपका अधिकार है आपके इस बात को बदलिए ये जो वोट है आप इसको हथियार में रख लीजिए आप सोचिए कि आपकी लड़ाई कौन करेगा तो संविधान चाहिए कर्जों में मदद चाहिए महिलाओं की सुरक्षा चाहिए इन्हीं मुद्दों को आप अपने बना सकते हैं दूसरे मुद्दों में उलझ जाएंगे जिनसे आपकी रोजी रोटी से आपके पेट से आपके भविष्य से कोई मतलब नहीं तो सिर्फ नेता आपके ऊपर राज करते रहेंगे अपनी पढ़ाई करते रहेंगे अपने उद्योगपति मित्रों की पढ़ाई करते रहेंगे और आप नहीं खुशी है तो आप ठीक तरह से सोचिए समझिए ये चुनाव क्या है अपना वोट सही तरह से इस्तेमाल करिए आपने खुद देखा है जब कांग्रेस की सरकार थी मैं थोड़ा राइट कभी ऐसा नहीं हुआ ये नहीं हुआ 45 साल में पहली बार है कि इतने कम रोजगार मिले हैं ये पहले नहीं हुआ कांग्रेस की सरकार में आपको मनरेगा मिला छह महीनों के लिए पैसे नहीं मिलते जो मनरेगा में काम करता है तो आप समझिए कि जब कांग्रेस की सरकार आप लाएंगे तो एक जागरूक सरकार लाएंगे और एक ऐसी सरकार लाएंगे जो आपके लिए काम करेगी आपने देखा है कि मेरे भाई राहुल जी जब कुछ कहते हैं करते हैं मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई 10 दिनों में किसानों के कर्ज से माफ राजस्थान में हमारी सरकार आई 10 दिनों में सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहती हूँ मेरे भाई मेरे बहन यही आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सोच समझ के वोट करिए इस चुनाव में कांग्रेस को विजयी बनाइए ताकि आपकी समस्याओं को रिकॉर्ड किया जाए और उनका हल किया जाए मैं जानती हूँ कि यहाँ पे काफी ऐसी समस्याएं जो यहाँ इसी दमदमा की है प्रियंका गांधी आंधी है दूसरी महागौरी है प्रियंका गांधी आंधी है दूसरी महागौरी है प्रियंका गांधी आंधी है दूसरी महागौरी है प्रियंका गांधी आप संघर्ष करो हमारे साथ है प्रियंका गांधी आप संघर्ष करो हमारे साथ है जब हमने इस कार्यक्रम के बारे में सोचा पहले आपकी बात सुनेंगे आपकी क्या समस्याएं हैं आप बताएंगे फिर हम बात करेंगे लेकिन इन्होंने ये बताया कि राजनीति करने वाले का ये बारी कैसी है रिवाज चल रहा है इसलिए मैं रिपोर्ट करेंगे मैं तुम्हारे लेकिन फिर भी मैं सुनने आई हूँ मछुआरे मछुआरे हम